शहजान खान की बहनों की तरफ से, उनकी फैमिली की तरफ से क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं एक एक करके। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। अलीबाबा के सेट पर तनीषा शर्मा जी, हाँ, काफ़ी कम उम्र की यानी कि 20 साल की उम्र में उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने ज़िंदगी को इस तरीके से ख़त्म कर दिया। और हर कोई शॉक में है, हर कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने ये कदम उठाया। और तो और जिस तरीके से एक एक अपडेट सामने आ रही है, और ये बताया जा रहा था कि शहजान खान जो उनके को एक्टर हैं उनके साथ वो रिलेशनशिप में थी और 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। और शहजान खान जो है फिलहाल तो पुलिस की हिरासत में है, और अगली तारीख तक तनीषा की मम्मी सामने आई और उन्होंने सारी सच्चाई बताई कि किस तरीके से शहजान खान ने उनकी बेटी को धोखा दिया, शादी का वादा किया था, शादी का वादा पूरा नहीं किया और उनको तनीषा को इस्तेमाल किया, वो खुद किसी और के साथ, उनका ताल्लुक था किसी और लड़की के साथ, लेकिन फिर भी उनकी बेटी को इन्वॉल्व रखा उन्होंने, जिस वजह से तनीषा ने ये बड़ा कदम उठाया। तो ये जो बयान है तनीषा की फैमिली की तरफ से तो आ गया, लेकिन अब आपको बता दूं कि शहजान खान की जो सिस्टर्स हैं यानी कि शफक नाज, फलक नाज और उनकी फैमिली ने क्या कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स जारी किया है, चलिए आपको बताते हैं। कहना है उनका, टू एवरी वन हु इज बीन ट्राइंग टू रीच आउट टू अस फॉर अ स्टेटमेंट ऑन द केस, प्लीज अलाउ आवर फैमिली प्राइवेसी इन दिस ग्रेव सिचुएशन। इट्स अपसेटिंग टू सी द मेंबर्स ऑफ द मीडिया कॉन्स्टेंटली कॉलिंग अस एंड इवन स्टैंडिंग बिलो आवर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। वी हैव फुल फेथ इन द इंडियन जुडिशरी सिस्टम एंड शहजान इज कोऑपरेटिंग विद द मुंबई पुलिस थ्रू ऑल द प्रोसीजर्स। वी विल टॉक अबाउट दिस विद द फैमिली व्हेन द टाइम इज राइट, बट फॉर नाउ प्लीज अलाउ अस द प्राइवेसी विच आवर फैमिली डिजर्व्स राइट नाउ। तो उनका कहना है कि जिस तरीके से मीडिया कॉन्स्टेंटली उन्हें कॉल कर रही है, उनके बिल्डिंग के नीचे है और उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करी है, बातचीत करने की कोशिश करी है, तो अभी राइट टाइम नहीं है, हमें प्लीज़ प्राइवेसी दीजिए, हमें इस सिचुएशन जो है आई है उससे लड़ने का, उसे समझने का मौका दीजिए। और शहजान जो है वो पूरे तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं मुंबई पुलिस के साथ और जुडिशरी सिस्टम पर हमें भरोसा है कि सब जो है वो सही होगा और सच सामने आएगा। ये बात कही गई है शहजान की फैमिली की तरफ से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपना रिएक्शन क्या कुछ देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए देखते रहिए फीफा फोर्स।